छठ त्योहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के द्वारा राप्ती तट स्थित गुरु गोरखनाथ श्रीराम घाट का निरीक्षण किया गया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में जहां जहां छठ पर्व का आयोजन होना है उन जगहों पर लगातार भ्रमण कर निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि नदी का पानी थोड़ा कम हुआ है पर पानी में ज्यादा अंदर तक ना जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा साफ सफाई करवाया जा रहा है और नगर पंचायत में नगर पंचायतों के द्वारा तथा नगर निगम में नगर निगम के द्वारा घाटों का सफाई कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छठ आस्था का त्योहार है, लोग अपना ध्यान रखते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं और बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतिशबाजी ना करें और जिन घाटों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहीं पर अपने वाहन खड़ा करें। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में प्रशासनिक और पुलिस द्वारा सभी घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सभी घाटों पर महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। गुरु गोरखनाथ घाट की सुरक्षा एवं आवागमन को सुगम बनाने के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह को प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी भी उपलब्ध है तथा इसके साथ महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सभी घाटों पर लगाई गई है तथा महिला पुलिस अधिकारियों के भी सभी घाटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, थाना राजघाट वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय गुप्ता, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर एवं जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बोल नहीं होगा तो सब लोग सर ना पाँच गो लेबर दे देते तो अभी झुलवा देते हम शाम तक। कौन वाला? वही वाला। हाँ झुलवा देते एकदम चमाचम हो जाता। बनाएंगे और इसके लिए नहीं रखा गया तो वो आ गया बाहर से आगे अभी सफाई कुछ कर रहे थे। पूरा हो गया इधर सामने जाना या
दोनों साइड में वहाँ पर भी तो पूरा कैंप लग रहा है। तो जैसे वहाँ से लेकर वहाँ तक हम कितने प्रशासन द्वारा किस तरह व्यवस्था की गई छठ पर? देखिए, आगामी त्यौहार छठ पूजा के संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो भी चिन्हित घाट हैं उनका स्थलीय निरीक्षण विगत दिनों में भी किया गया है, वो आज भी चल रहा है। सभी घाटों पर जो व्यवस्थाएं की जानी हैं, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ हैं, बैरिकेडिंग की हैं, इसके अलावा लाइट की जो व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आवागमन की, और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था, जो भी परिवार यहाँ पर आएंगे, महिलाएं, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग आएंगे, उन सबके सुरक्षा की व्यवस्था का एक पूरा खाका खींचा गया है। विशेष रूप से घाटों पर महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिटी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो आयोजन होता है वो राजघाट पर होता है। यहाँ के प्रभारी SP क्राइम मैडम जो हैं उनको बनाया गया है यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, आवागमन और सुगम बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त CCTV कैमराज और ड्रोन कैमरा से भी नज़र रखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों के इस त्यौहार की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि बड़े हर्षोल्लास के साथ और एक अच्छे माहौल में ये पूरा त्यौहार संपन्न होगा और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। देखिए, जनपद में हमारे पास थाना पुलिस के साथ साथ PAC भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो महिला पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है विशेष रूप से घाटों पर वो लगाई गई है और महिला पुलिस अधिकारियों को भी इन पूरे घाटों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब हम लोग पर्याप्त रखें और लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी रहे कि एटलीस्ट, चूँकि वाटर लेवल अभी तुरंत रिसीड किया है, तो एटलीस्ट बच्चों को अगर लेके आ रहे हैं तो सावधानी बरतें और भीड़ भड़के वाले इलाके में क्रैकर्स और आतिशबाजी ना करें। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा व्यवस्था भी कराया जा रहा है, जो नगर पंचायत है वहाँ नगर पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है, जहाँ नगर निगम एरिया है वहाँ नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। तो यहाँ हर जगह का निरीक्षण हम लोग के द्वारा। पार्किंग क्या व्यवस्था? पार्किंग यहाँ पे 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स सफिशेंट पार्किंग है, पर्याप्त कोर्सेज भी कोई इशू नहीं। सर, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? बस आस्था का त्यौहार है और लोग अपना ध्यान रखें और बच्चों का एटलीस्ट ध्यान रखें, वाटर लेवल को ध्यान में रखते हुए, और भीड़ भड़ाके वाले इलाके में कृपया आतिशबाजी ना करें और जो पार्किंग का व्यवस्था कराया गया है वहाँ व्यवस्थित होके लोग रहें। ठीक है।